हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो, अरविंद कुमार पांडे जी बात कर रहे हैं। सर कहाँ से बोल रहे हो आप? सर आपको एक शायरी सुनाता हूँ, मैंने आज ही लिखी है। मैंने आज ही लिखी है, आपको एक शायरी सुनाता हूँ। ये शायरी सर ऐसी है, कुछ जैसे मैंने उस लड़की को एक बार देखा, उसके बाद जो हाल चाल है वो बता रहा हूँ दिल का। इसमें आशिक अपने दिल का हाल चाल बात का बता रहा है उसको देखने के बाद। हर अल्फाज में तुम, सुनो ध्यान से सुनना, हर अल्फाज में तू है, मेरी हर सांस में तू है, मेरी हर याद में तू है। हर अल्फाज में तू है, मेरी हर सांस में तू है, मेरी हर याद में तू है। मैं मांगता हूँ खुदा से तुझे, मेरी हर फरियाद में तू है। कैसी लगी सर? आज ही लिखी एकदम, आज ही लिखी एकदम। हाँ अरे शायर नहीं, शायर हो गया ना, उसके प्यार में उसको देखा था शादी में, ठीक है। उसको देखने के बाद ना किसी चीज में मन ही नहीं लगा, उसको देखने के बाद किसी चीज में मन ही नहीं लगा। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। अभी उसकी मम्मी से रिश्ते की बात करूंगा, आगे बताइए आप क्या कह रहे थे। पेमेंट होगा 2 महीने बाद होगा पेमेंट। नहीं सर, कर्जे के ऊपर अभी शायरी नहीं लिखी है, वो बाद में। कर्जे के ऊपर शायरी लिखी नहीं है, वो बाद में आपको लिख के बताऊंगा। बाकी एक और है, सुन लो। मैं अपने आप को खत्म कर सकता हूँ, पर तुझे मिलने की, तुझे देखने की तड़प को नहीं। मैं अपने आप को खत्म कर सकता हूँ, पर तुझे मिलने की, तुझे देखने की तड़प को नहीं। और ये जो तुम अपने गुस्से भरी निगाहों से देखते हो मुझे, और ये जो तुम अपने गुस्से भरी निगाहों से देखते हो हमें, मैं इतना तो बुरा नहीं। कैसी लगी? वाह मजा आ गया। पेमेंट बता दो सर, 2 महीने बाद होगी। 2 महीने बाद, 2 महीने बाद होगी पेमेंट। 2 महीने बाद क्या हो जाएगा, इतने टाइम से नहीं कर पा रहे आप। देखो सर, 2 महीने बाद ना हिसाब बन रहा है, मल्टीपल डेट से हल्के हल्के निपटा रहा हूँ। हेलो, हाँ हेलो अरविंद जी, बताइए सर। भाई साहब करने वाली बात कर रहे, भाई साहब देखो, ऐसा है, मजाक में अगर करता हूँ ना किसी के साथ, तो सिर्फ मैं उसके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे प्यार है। आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, पेमेंट 2 महीने बाद होगा। मल्टीपल लेफ्ट हल्के हल्के करके निपटा रहे, बहुत से सेटलमेंट भी कर लिए, तो अरेंजमेंट का ना अभी हिसाब बन रहा है हल्के हल्के, तो अभी टाइम लगेगा। अच्छा सेटल करा लूं? नहीं सर, जो है ना आपकी थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है, आपकी आवाज जो है हल्के आ रही है, कट के आ रही है, कुछ कटके भी, कुछ हल्के भी। एकदम बढ़िया आ रहे हैं, आपकी सुनने की इच्छा नहीं है? नहीं सर, सुन पूरा पूरा रहा हूँ, लेकिन ना पेमेंट करवा दे। पेमेंट की सर अभी तो बताई पेमेंट की। सर पेमेंट होगा 2 महीने बाद। 2 महीने बाद क्या करा था? है 2 महीने बाद क्या आया था? 2 महीने बाद अरेंजमेंट कर रहा हूँ ना, मल्टीपल डेप्ट हो, मैंने बहुत से तो सेटलमेंट भी कर लिए, तो हल्के हल्के करके साफ कर रहा हूँ। अच्छा नहीं सर, नहीं हो पाएगा। अच्छा बीजेपी का काम कैसे चल रहा है आपका? किसका? बीजेपी से जो आप चुनाव लड़ रहे हो? अरे वो चुनाव का तो सर अभी थोड़ा ऐसा ही है, बाकी इसको जीतने के बाद ना, अभी जीत जाए सर आपका देखते हैं। और अच्छा लाओ सर आप जब, हाँ किसका कॉल? उधम सिंह नागर, उधम सिंह नागर को आप कॉल कर लो, कोई इशू नहीं। बाकी आप जा ही रहे हो तो एक और शायरी सुनते जाओ यार, इतनी मेहनत से लिखी है तो किसी को तो सुना दो। सुनते जाओ सर। दिले हाल क्या बया करें हम तुम्हें अपना, दिले हाल क्या बया करें हम तुम्हें अपना, एक वही शख्स दिल में रहता है, एक वही शख्स दिल में रहता है जो कि किस्मत में नहीं। किस्मत
सर बड़ा मतलब बुरा हाल है, क्या बताऊं सर। एक तो बार उसने एक बार तो रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार तो पोस्ट करूंगा। ठीक है सर, बता दिया आपको। बाकी एक और शायरी सुननी हो तो सुनाओ। अरे सर तो ठीक है, सुन लीजिए। मैं बता नहीं सकता कितना प्यार है मुझे तुमसे, मैं बता नहीं सकता कितना प्यार है मुझे तुमसे, मैं जता नहीं सकता कितना प्यार है मुझे तुमसे। मेरी आंखों में झांक कर देख तू, ये आशिक कुर्बान है तुझसे। एक बार और सुनाओ। अरे सुनी नहीं क्या आपने? अरविंद कुमार पांडे जी कुछ बोलता है, अरे सुनिए सर आप भी आ गए, चलो आपको यही सुना देता हूँ। मैं बता नहीं सकता कितना प्यार है मुझे तुमसे, ठीक है। मैं बता नहीं सकता कितना प्यार है मुझे तुझसे, मैं जता नहीं सकता कितना प्यार है मुझे तुझसे। मेरी आंखों में झांक कर देख तू, ये आशिक कुर्बान है तुझसे। मजा आया नहीं सर? मैंने क्या मेरी, हाँ सुनाइए सुनाइए। देर सुनाने वाले को क्या इनाम दिया जाए हाथ में। अरे वाह मजा आ गया एकदम यार। देखो फिर यार एक काम करो, एक जो है ना एक दो शायरी और सुनाओ, लेकिन यार थोड़ा एडल्ट ना हो, थोड़ा अच्छी शायरी हो, अच्छी शायरी सुनाओ यार। सुना दो फिर एक दो शायरी और। अफ्रीकन केला दे दिया जाएगा ना हाथ में, पूरे दिन जूझ रही हो, शाम तक खत्म नहीं होगा सुबह से। चलो यार एक और सुन लो, चलो तुम एक शायरी और सुना देता हूँ, जब तुम इतना बोल ही रहे हो। तो ये शायरी जो है ना, ये शायरी कुछ ऐसी है, जैसे मैंने उसको देख लिया ना, उसके बाद मेरा हाल बता रहा हूँ शायरी में, ठीक है। उसको देखने के बाद तो सुनो। हर अल्फाज में तुम हो, सॉरी हर अल्फाज में तू है, मेरी हर सांस में तू है, मेरी हर याद में तू है। हर अल्फाज में तू है, मेरी हर सांस में तू है, मेरी हर याद में तू है। मैं मांगता हूँ खुदा से तुझे, मेरी हर फरियाद में तू है। तुम्हारा क्या कह रहे हो, कब कटा था तुम्हारा? अरे यार मेरा कटा था अभी, मैंने कुछ 2 महीने पहले प्रपोज किया था, अभी भी ट्राई करता जा रहा हूँ, बार बार मारी मेरी। बहुत प्यार है सच बता रहा हूँ, बहुत। बिंटी साहू बात कर रहे हैं? कौन? बिंटी साहू बात कर रहे हैं? मैडम विनीत साहू है, ढंग से तो पढ़ लो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपको? मैडम मैं कह रहा हूँ विनीत साहू, ढंग से तो पढ़ लो आप। जी सॉरी सॉरी सर, हाँ विनीत साहू बात कर रहे हैं आप? हाँ मैडम जी। शिखा बात कर रही हूँ सर, एक्सिस बैंक के बिहाफ से रिकॉर्डेबल लाइन पे, रिगार्डिंग आपके एक्सिस कार्ड के ऊपर। कार्ड का एंडिंग सर 0177। बताइए पेमेंट पेंडिंग चल रहा है सर 2 महीने से आपका, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है आपका ये पेमेंट? जी पेमेंट मैडम क्या बताऊँ मैं आपको, 800 रुपए का पेमेंट आपका पेंडिंग चल रहा है 2 महीने से। पेमेंट मैडम कुछ जो है ना मनी का इश्यू आ गया है। ओके जान सकते हो क्या प्रॉब्लम आया, बिकॉज मैं पहले चेक कर रही हूँ, पहले तो आपका पेमेंट टाइमली हो रहा था। मैडम जॉब लॉस हो गया हूँ मैं। जॉब लॉस हो गई है? तो अभी 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 आपके पास अर्निंग हो गई आपकी? मैडम अर्निंग कहाँ है, अर्निंग तो सही नहीं आपके पास अभी कुछ भी नहीं मैडम। कैसे क्लियर करेंगे अमाउंट सर अपना सर, ये 2 महीना तो ऑलरेडी जा चुका है। मैडम इसको क्लियर 2 महीने बाद ही करेंगे, पहले जॉब ढूंढ लें फिर इसको क्लियर करेंगे। तो इतना लंबा टाइम पॉसिबल नहीं है ना, बैंक ने 2 महीना दे दिया, 2 महीने बाद भी अगर आप सेम चीज बोल रहे हैं तो इतना लंबा टाइम तो पॉसिबल होगा नहीं ना। तो मैडम मैं भी ना, मैं भी बोलिए मैडम, मैं भी इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ मैडम, ये तो होने सर अभी सर आपके क्षमा मांगने से नहीं होगा ना कुछ भी, बैंक को तो पेमेंट चाहिए होता है। अब आपको बैंक ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पेमेंट दिया था कि आप यूज कीजिए, बट टाइमली पेमेंट करना, बट 2 महीने से आप नहीं हो पाएगा ये पेमेंट मैडम, आप समझ चुके हैं मैडम, जॉब लॉस हो गई है मेरी। पर सर 2 महीना देखिए मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, 2 महीना पॉसिबल नहीं होगा। मैं इतना कर सकती हूँ, आप टोटल मत कीजिए। आप पता है आपको मैं कितना परेशान हूँ जॉब लॉस होने के कारण, मुझे पता है मैडम मैं कितना परेशान हूँ। मैडम नहीं हो पाएगा,
सकता है, बट इतना हम आपको 2 महीना टाइम नहीं दे सकते है ना, आप वो समझिए। वो तो अभी आपने इतना मंथ्स आपकी जॉब चली गई है, मैं समझ सकती हूँ प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट आपसे इतना करते तो आपके पास कुछ तो सेविंग होगी कि बैंक पर थोड़ा बहुत ही पैसा दे पाए। मैडम मैं क्या बताऊँ, मैडम मैडम होना भी तो चाहिए देने के लिए। क्या कह रहे हैं सर? मैडम देने के लिए होना भी तो चाहिए मैडम। अभी इनकम तो कहीं से तो आ रहा होगा सर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 2 महीने मैडम जो सेव की हुई मनी है ना उससे घर चला रहा हूँ, जॉब मिल ही नहीं पा रही मैडम, बहुत ट्राई कर लिया। मैडम आपकी एजेंसी में कोई अगर जॉब हो तो बता दो मैडम, मैं वो भी कर लूंगा। मैडम मैं 12,000 रुपए में मैडम जॉब कर लूंगा, घर परिवार का खर्चा ही मैडम निकल जाए। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, वो तो आप ही को देखना पड़ेगा। देखो उसमें बैंक आपकी जॉब के लिए तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, बैंक आपको टाइम दे सकता था, बैंक ने आपको 2 महीने का टाइम दिया, बट उसके बाद भी अगर आप और टाइम मांगेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा सर। मैडम मेरे पास ना मैडम अभी मैंने बहुत ट्राई कर लिया मैडम, कोई जॉब मिली नहीं। मैं मैडम क्या बताऊं मैडम, मैडम बहुत परेशान हूँ इस समय। मैडम मैं आपको अपनी समस्या बता नहीं सकता, मैं कितना परेशान मैडम। आप अगर मेरी समस्या अपडेट कर देती हूँ, मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपडेट डाल देती हूँ, बट आप समझिए बैंक कितना आपको 2 महीने का टाइम नहीं दे पाएगा। आप कोशिश कीजिए कहीं से अरेंज कीजिए, और पूरा नहीं तो एटलीस्ट अपना 4,350 रुपये का आपका मिनिमम पेमेंट है। आप ये भी अगर कहीं से अरेंज कर पाएंगे तो बैंक आपको थोड़ा और टाइम दे पाएगा। मैडम आप अगर मेरे सामने होती ना मैं आपको अपनी समस्या सुनाता हूँ मैडम, आपकी आंखों से भी आंसू गिर पड़ते मैडम। पता है मैडम कितना बुरा फंसा हुआ हूँ मैं, बहुत बुरा मैडम। समझ सकती हूँ सर, 2 महीने अगर जॉब ना हो तो प्रॉब्लम आती है, बट आप अब उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मैं इतना बस कर सकती हूँ कि आप टोटल मत कीजिए, बट एटलीस्ट अरेंज करके थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। रेस्ट अमाउंट के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम दिलवा दूंगी बैंक के साइड से, बट थोड़ा पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अभी अरेंज कर लीजिए, कोशिश कीजिए कहीं से, अगर पॉसिबल होता है तो अरेंज कर लीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। ओके सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।